हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दही बड़े जो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो ये हमारे हस्बैंड हैं जो टेस्ट करके बता रहे हैं कैसा है, तो इन्हें बहुत ही टेस्टी लगा दही बड़े। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैं उड़द को रात भर भिगो कर रखी थी, अब इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हल्का पानी के साथ ही ट्रांसफ़र करें। और यहाँ पे मैं आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च, और इसे अब हम पीस लेंगे। तो ध्यान रहे हमें बिल्कुल पतला इसे पीस कर रेडी करना है, एकदम बारीक, बिल्कुल भी दरबरा ना हो। तो ये देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। तो ये बाकी का भी हम पीस कर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं बाकी का भी सारी उड़द को मैं पीस कर निकाल ली हूँ एक मिक्सिंग बाउल में। और अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक, और इसे हाथों से अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे। तो इसे जितने अच्छे से हम फेंटेंगे ना, हमारे बड़े उतने ही सॉफ्ट और फुले फुले होंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो ये मैं पानी ले ली हूँ कटोरी में, और यहाँ पे थोड़ा सा डालकर चेक करेंगे। तो ये ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा जो वेटर है वो रेडी है। तो इधर मैं ऑयल गरम करने के लिए रखती थी, अब यहाँ पे ऐसे हम बड़े छोटा छोटा डाल करके और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम तल लेंगे, जब तक कि सुनहरे रंग के ना हो जाएं। तो ये पलट लेंगे इसे। तो फ्रेंड ऐसे उलट पलट करके हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो हमारे ये दही बड़े बन गए हैं। अब बाकी का भी ऐसे ही हम तल करके निकाल लेंगे। तो बाकी के भी तल कर मैं यहाँ निकाल ली हूँ। अब आइए एक तोड़ करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए कितने स्पंजी हुए हैं। अब हम यहाँ पे गरम पानी मैं ले ली हूँ, अब इसी में हम ये बड़े डाल देंगे और इसे ढक करके एक चम्मच से पहले इसे थोड़ा फ्रिज कर देंगे, फिर इसे ढक कर रख देंगे कुछ देर के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस, तो यहाँ हरी चटनी हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं ली हूँ धनिया पत्ता 1 मुट्ठी, 2 हरी मिर्च, अदरक और 3 से 4 लहसुन की कली, नींबू आधा नींबू का रस और नमक। इसे हम पीस लेंगे। तो ये मैं इसे पीस करके रेडी कर ली हूँ। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम दही को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 kg दही ले रही हूँ। अब यहीं पे हम 5 से 6 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे और आधा चौथाई चम्मच यहाँ पे नमक और आधा चम्मच काला नमक यहाँ पे डाल करके अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। अब दही हमारा रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख देंगे। और ये देखिए बड़े भी हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब इसे ऐसे हाथ पे रख के और इसका पानी हम निकाल लेंगे दबाते हुए, और इन्हें दही में डालते जाएंगे। उस सारे पानी अच्छे से निकाल लेंगे फ्रेंड, बिल्कुल बाजार जैसे दही बड़े बनकर रेडी होंगे। अब इसे दही में ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब आइए इसे शॉप करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 प्लेट। अब इसमें हम दही बड़े ऐसे रख लेंगे एक एक करके, और इसके ऊपर से थोड़ा सा और दही मैं डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे ये ग्रीन चटनी जो मैं पीस कर रेडी की थी उसे डालेंगे, और यहीं पे डालेंगे ये
इमली की चटनी मैं बनाई थी। इसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो इसे ऐड कर देंगे। और भुना हुआ जीरा और लाल मिर्ची पाउडर यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये देखिए हमारे दही बड़े बनकर रेडी हैं। अब इसे हम अपने बेटे को टेस्ट कराते हैं, सुनिए ये क्या कहता है। So beautiful, so elegant, this looking like a mustache.